हेलो गाइज, मैं हूं अमित और आप सबका स्वागत है ब्लीड एक्स वाई जी में। गाइज, आज हम बनाने वाले हैं कि पिन होल प्रोजेक्टर एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हुए, जो कि यूज़ आता है चीज़ों को थोड़ा बड़ा देखने में, जो छोटी चीज़ें होती हैं दिखाई नहीं देती अच्छे से। तो ये वाला जो ग्लास है, ये आपको एक सिंपल ज्योमेट्री बॉक्स में मिल जाएगा या फिर दुकान से भी मिल सकता है। और इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक कन्वेक्स लेंस होता है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा होता है, और यही जो है चीज़ों को मैग्नीफाई करता है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है। और ये वीडियो एक DIY की तरह है, एक साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह भी ले सकते हैं। बहुत कूल चीज़ होती है कि कैसे हम एक बिल्कुल बेसिक सेटअप के साथ में किसी चीज़ को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो में पूरा मजा आने वाला है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, उसके बगल में जो घंटी है उसको बजा लीजिए और ब्लीड एक्सपर्ट की एक और वीडियो का मजा लीजिए। तो गाइस, प्रोजेक्टर बनाने के लिए हमें जरूरत होगी एक बॉक्स की, एक कार्डबोर्ड बॉक्स की, जो कि लगभग 1 फीट के आसपास होना चाहिए, इतना उसका साइज होना चाहिए। आप डायमेंशन जो है देख सकते हैं। और किसी भी चीज़ का, चाहे वो जूते का बॉक्स हो या फिर किसी सामान का कोई भी टाइप का बॉक्स जो कि थोड़ा सा हार्ड हो, वो यूज़ करना है। साथ ही साथ में एक कार्डबोर्ड का छोटा टुकड़ा भी हमें चाहिए, वो जो कि कुछ इस तरीके का है। तो गाइस, पहले इस साइड को यहाँ से हमें गोल सर्कल की शेप में काटना है, जितना इसका जो है डायमीटर है लगभग उतना ही। आप चाहें तो इसको एक पेन से मार्क भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे आइडिया है तो मैं जो है उसको डायरेक्टली ऐसे काट रहा हूँ। तो गाइस, हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके का सर्कल जो है वो होल बना लिया है, और अब जो है हम इस मैग्नीफाइंग ग्लास को इसके ऊपर चिपकाएंगे। मैं यहाँ पर इसके अंदर से इस कॉन्वेक्स लेंस को निकाल भी सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको पूरा ही ऐसे चिपका देते हैं, जिससे कि हमारे ये जो लेंस है ये भी ख़राब नहीं होगा, और साथ ही साथ में हमारा जो काम है वो भी हो जाएगा, और थोड़ा सा माउंट के लिए स्पेस भी मिल जाएगी। तो गाइस, मैंने यहाँ पर हमारे लेंस को चिपका दिया है इस होल के अंदर, और यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो ग्लू है, जो हॉट ग्लू है, वो इसके ऊपर ना लगे। हम चाहें तो इसकी जगह कोई और भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं चिपकाने के लिए। हॉट ग्लू की जगह पर हम जो है कोई ऐसी चीज़ से इसको रोक सकते हैं, यानी कि फाइनली बेसिकली इसको जो है इसके ऊपर चिपकाए रखना है, जो कि होल के अंदर ये लेंस जो है कुछ इस तरीके से फिट हो जाए। तो भाई, हमारा जो प्रोजेक्टर है वो बेसिकली तैयार हो चुका है, इतना सा ही काम है। दूसरा काम हमें रखना है हमारे फ़ोन को रखने के लिए। तो यहाँ पर है मेरा फ़ोन, जिसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ। तो भाई, जो फ़ोन है उसको हमें कुछ इस तरीके से इसके अंदर रखना होगा, कुछ ऐसे। तो इस फ़ोन का एक स्टैंड बनाना होगा। स्टैंड बनाने के लिए बिल्कुल बेसिक हमें चाहिए इस तरीके का कार्डबोर्ड। गाइस, अगर बात करें इसके वर्किंग प्रिंसिपल की, तो ये काम करता है बिल्कुल एक असली प्रोजेक्टर की तरह ही। असली प्रोजेक्टर में भी अंदर एक स्क्रीन होती है कुछ इस तरीके की, जो कि काफ़ी ब्राइट होती है, और उसका काम ही वही है। तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर ब्राइटनेस होती है, तो काफ़ी तेज़ वो चमकती है। एक लेंस होता है उसके आगे ही आगे, वो उसको जो है अच्छे से फोकस कर देता है सामने वाली स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर हमें जो है ब्राइटनेस काफ़ी कम मिल रही है, क्योंकि भाई सिंपल सा रीज़न है यार, इस स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो इतनी है, जबकि हमने मैक्सिमम कर रखी थी, उसके बावजूद भी जो चीज़ है वो उतनी क्लियर नहीं दिखेगी, क्योंकि ब्राइटनेस कम है। और साथ ही साथ में एक दिक्कत ये भी आती है कि अगर हम इसमें कोई मूवी चलाते हैं ना, तो फ़ोन उसको अपने आप ही उल्टा कर देता है, और हमें इसके अंदर वो चीज़ इन्वर्टेड दिखती है। यानी कि अगर एक गाना चल रहा है तो वो गाना बिल्कुल उल्टा दिखेगा आपको, जो सर हैं वो नीचे दिखेंगे, जो पैर हैं वो ऊपर दिखेंगे। तो भाई, ये जो है एक बेसिक प्रोजेक्टर इसी तरीके से काम करता है। जो असली वाला प्रोजेक्टर होता है, जो कि नॉर्मली कमर्शियल यूज़ होता है, जैसा भी यूज़ होता है, उसमें क्या होता है कि ये जो स्क्रीन है ये पहले ही उल्टी लगी होती है, जिससे कि जो उसकी इमेज है वो सीधी बनती है। तो गाइस, फाइनली हमारा जो सेटअप है वो तैयार है, और मैंने जो फ़ोन है उसके स्टैंड को हटा दिया, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा स्पेस ले रहा था और अच्छे से फोकस नहीं हो पा रहा था। तो अब जो फ़ोन है वो सिर्फ रखा हुआ है डब्बे के अंदर ही। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्क्रीन है उसको हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है इस वॉल के ऊपर, और जैसे ही मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो आपको जो है वो यहाँ पर प्रोजेक्टेड इमेज जो है दिखाई दे रही होगी। देखिए, यहाँ पर बीच में मेरा हाथ है और वहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो है इमेज है। आप इसको मेरे हाथ के साइज से जो है कंपेयर कर सकते हैं कि स्क्रीन काफ़ी बड़ी है, और जैसे ही हम इसमें कोई चीज़ चलाते हैं तो वो चीज़ भी यहाँ पर चलने लगेगी। लेकिन यहाँ पर बस इतना है कि जो चीज़ है वो थोड़ी सी डल लगेगी आपको। देखिए, एक वीडियो जो है वो चलने लगी है यहाँ पर। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो जो है वो चल रही है, लेकिन दोस्तों असली में जो है इतना डल भी नहीं है ये इमेज जितना आपको यहाँ पर दिख रही है। तो एक बार मैं थोड़ा सा बैक आ जाता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा बढ़िया से जो है दिखे कि किस तरीके से जो प्रोजेक्ट है वो हो रहा है यहाँ पर। और आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं क्लियरली कि चीज़ें जो हैं आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। तो अब जो है मैं लाइट चालू कर रहा हूँ, जिसके लिए आपको पता लगे कि ये कोई जो है
ऐसे ही मैंने नहीं बनाया, बिल्कुल असली है। तो यार मैं लाइट चालू करता हूँ, आप स्क्रीन को देख सकते हैं, और ये मैंने दबाया लाइट का बटन, और आप देख सकते हैं इस स्क्रीन के ऊपर, इस दीवार के ऊपर मेनली ये जो है दिख रहा था। तो अब जो है मैं अपना हाथ यहाँ पर रखूँगा और ये जो लाइट है इसको बंद कर दूँगा, तो आपको फिर से जो है स्क्रीन दिखने लग जाएगा। एक्चुअली जो मोबाइल है उसकी ब्राइटनेस कम हो गई यहाँ पर, तो इसको जो है एक बार फिर से सही कर देते हैं, और यहाँ पर एक चीज़ एक बार फिर से वही चीज़ करके देखते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर मेरा हाथ दिख रहा होगा अभी आपके सामने, लाइट में जलाता हूँ तो हाथ यही है, और पीछे अब आपको नहीं दिख रहा क्योंकि लाइट की ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन लाइट में फिर से बंद करता हूँ तो ये देखिए जो स्क्रीन है वो आपके यहीं पर है। इसका मतलब जो स्क्रीन है वो वास्तव में प्रोजेक्ट हो रही है। और मैं अगर आपको फ़ोन दिखाऊं कि फ़ोन कहाँ पर है, तो भाई फ़ोन है कुछ यहाँ पर इस वाली तरफ में, जो कि आप देख सकते हैं वहाँ पर रखा हुआ है बिल्कुल हाई ब्राइटनेस में। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल ब्लेड XYZ को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की और DIY की वीडियोज़ बनाई जाएँ, या फिर क्या बनाया जाए आपको ऐसा लगता है कोई चीज़, तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए यार, कोशिश करूँगा बनाने की। हालांकि सारी चीज़ें तो नहीं बना पाते, लेकिन फिर भी अगर कुछ अच्छा टॉपिक आप बताएंगे तो ज़रूर से बनाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत चल तब तक के लिए नमस्कार।